आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम सभी क्लास 12 के लिए वीडियो लेकर आए हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में या भू सुधार व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त चर्चा कीजिए, या फिर अंग्रेजों के द्वारा भूमि में क्या सुधार किया गया, भू राजस्व व्यवस्था, तो इसे जानेंगे हम सभी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कर रही थी, तब उन्होंने अधिक धन कमाने की लालच में भूमि राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए और कई व्यवस्थाएं लागू की, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। तो अंग्रेज जो हैं ज़मीनों पर अधिक टैक्स बढ़ाने के लिए ज़मीन की व्यवस्था को कई बार उन्होंने बदला ताकि उन्हें अधिक धन कमाया जा सके। पहला, इजाहेदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था को 1772 में लागू किया गया। इस व्यवस्था द्वारा गांव के जमींदारों ठेकेदारों को 5 वर्षों के लिए ज़मीन दी जाती थी। इसे पंचवर्षीय व्यवस्था भी कहते हैं। इजाहेदारी या पंचवर्षीय व्यवस्था एक ही है। दूसरा है 10 वर्षीय व्यवस्था। 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस ने पंचवर्षीय व्यवस्था को बंद करके 10 वर्षीय व्यवस्था की शुरुआत की। इस व्यवस्था में जमींदारों को 10 वर्ष के लिए ज़मीन दी जाती थी। तीसरा है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थाई नहीं, अस्थाई होगा ये, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने भूमि व्यवस्था में सुधार की और उन्हें अस्थाई रूप से जमीन का मालिक बना दिया जमींदारों को। इस व्यवस्था को ही अस्थाई व्यवस्था कहते हैं। चौथा पॉइंट है रैयत बाड़ी व्यवस्था। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था क्या है? 1792 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक नई भूमि व्यवस्था लागू की जिसमें किसानों को ज़मीन का अधिकार दिया गया। इसे ही रैयत बाड़ी व्यवस्था कहते हैं और रैयत किसानों को ही कहा जाता था। इसमें किसान अपनी उपज का 1/2 या 1/3 लगान के रूप में सीधे ब्रिटिश सरकार को जमा सरकार को देना पड़ता था इन्हें। अगला है, लास्ट पॉइंट है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत का कुछ हिस्सों आगरा, अवध, मध्य प्रदेश और पंजाब आदि में एक नई भूमि व्यवस्था लागू की जिसे महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था में पूरे गाँव को सामूहिक रूप से ज़मीन का मालिक बना दिया गया था। बाकी बात निष्कर्ष आप अपने से लिखिएगा। निष्कर्ष इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसी प्रकार की निम्नलिखित और महत्वपूर्ण भूमि सुधार या भूमि राजस्व व्यवस्था लागू की गई जिससे अंग्रेजों को अधिक फायदा हो रहा था। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। नए जुड़े होंगे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।